મોડર્ન ઇન્ડિયાનું નિર્માણ કરતા શિક્ષકોનું PRSI દ્વારા સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં અમદાવાદ ખાતે નવીન શિક્ષણ પદ્ધતિ દ્વારા અભ્યાસ કરાવતા શિક્ષકોનું અમદાવાદ મેનેજમેન્ટ એસોસિએશન ખાતે PRSI દ્વારા સન્માન સમારંભ યોજવામાં આવ્યો હતો. અહેવાલ અશ્વિન લીબાસિયા, અમદાવાદ. मैं शुभजीत सेन पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया अहमदाबाद चैप्टर का सेक्रेटरी हूं और लास्ट दो सालों से मैं इस चैप्टर से जुड़ा हुआ हूं. दो सालों में ये चैप्टर कम्युनिटी के साथ मिलकर हमने बहुत एक्टिविटीज़ की हैं. काफ़ी सारी संस्थाएं हैं जिन्होंने अपने ऑडिटोरियम, ग्राउंड, स्कूल, अपने संस्था के जो मैनेजमेंट के क्लासेज हैं वो हमारे लिए ओपन कर दिए. तो हमें इस तरह लगा कि टीचर्स डे के दिन हम क्यों ना उनको रेसिप्रोकेट करें और उनको सम्मानित करने का हमें एक प्लेटफॉर्म मिले. लेकिन हमें किसी ने ये भी बताया कि बिकॉज हम PRSI से जुड़े हुए हैं तो वो स्पेशल स्कूल्स जो अलग तरीके से बच्चों को डिफिकल्टी में पढ़ाते हैं उनको क्यों नहीं हम साथ में सम्मानित करें. हमने आज 7 ऐसे कॉम्पैशनेट स्कूलों को यहाँ पर बुलाया है जिसके अंदर अगर आप देख लें अंधकन्या प्रकाश गृह, अपंग मानव मंडल, उसके बाद आर्मी के जो अंडर प्रिविलेज स्कूल हैं हमारे पास, उसके अलावा जो है हमने विसामु किड्स फाउंडेशन, सेवा, इस तरह हमने जो है 7-8 संस्थाओं को जोड़ा है. दो ऐसे टीचर्स को हम सम्मानित कर रहे हैं जिन्होंने कुछ नए तरह के इनोवेटिव टेक्निक यूज़ किए हैं. इसमें मैं एक टीचर मेंशन करना चाहूँगा, एक N सत्यनारायण करके हैं जो पिछले 3 साल से एक लॉ के एग्जाम में खुद बच्चों के साथ बैठने जाते हैं और ही स्कोरिंग 99.9% फ्रॉम गुजरात. हम लोग ने हर फैटर्निटी को कवर करने की कोशिश की है. इसमें कॉर्पोरेट लेवल से हमने जिनको कवर किया है वो संजय चक्रवर्ती सर हैं. उसके बाद जर्नलिज्म फैटर्निटी से हम लोग ने 2 लोगों को कवर किया है, जिसमें एक सोनल बहन है जो गुजरात यूनिवर्सिटी से काफ़ी चर्चित नाम है और एक दूसरे डॉक्टर शिरीष काशीकर करके हैं जो NIGMC कॉलेज की तरफ से हैं. उसके अलावा हमने जो किया है कामेश्वर स्कूल और अहमदाबाद के एक नोटेड स्कूल है सेंट जेवियर्स, जिसके फादर टीटोस डिकोस्टा भी आए हुए हैं और भी कई काफ़ी गणमान्य व्यक्ति आए हुए हैं. जैसे हमने डिफेंस का भी एक भाग जो है उसको भी हमने कवर करने की कोशिश की है. डिफेंस में से भी एक आशा करके एक NGO जैसा है, उनका स्कूल चलाते हैं, उन लोगों को भी हमने बुलाया है, उन लोगों को भी हम सम्मानित कर रहे हैं. माने हमने हर तरीके सिविलियन और डिफेंस सबको हमने कवर करने की कोशिश की. बेसिकली हमारा मकसद ये है कि हम संदेशा ये देना चाहते हैं सोसाइटी में कि टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो दूरियाँ बढ़ रही हैं उसको कम करनी चाहिए. अगर आपको याद हो तो हम जब पढ़ते थे तब हमारे और टीचर्स के बीच में कोई दूरियां नहीं रहती थी, कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं था, ना इधर हमारे पेरेंट्स का भी इस तरह से जिस तरह से आज पेरेंट्स का विरोध हो रहा है या बच्चे टीचर्स का विरोध कर रहे हैं वैसे पहले कभी भी नहीं था. हम उसी दूरियों को कम करने के लिए ये हमारा पहला प्रथम स्टेप है और हम चाहते हैं कि सोसाइटी आगे आके हमको सपोर्ट करे ताकि हम और भी टीचर्स लोगों को जोड़े और जो विद्यार्थीगण हैं उनको भी जोड़े ताकि उनके बीच की जो दूरियाँ हैं उनको हम थोड़ा नज़दीकियाँ लाने में सफल हो जाएं.